नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर गफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भंडारा के चांदपुर में जीवनलाल पदमलाल नागपुरे के घर में हुई चोरी। वहीं आपको बता दें कि जीवनलाल नागपुरे अपने हर दिन की तरह हनुमान मंदिर के नीचे पूजा सामग्री की दुकान में सुबह 5 बजे निकल कर गए और उसके बाद उनकी पत्नी सुबह 8 बजे दुकान पर चली गई थी। जब शाम 7 बजे दोनों घर अपने आए तो उन्होंने चोरी हुई देखी। वहीं जीवनलाल अपने होश खो बैठा और सीहोर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं दुकान मैं यहाँ से 5 बजे घर दुकान गया सुबह, फिर जब 12 से 3 बजे के बीच मेरे घर की चोरी हुई। चाबी यहाँ साइड में रखी हुई थी, दरवाज़ा खोल कर के चाबी से अंदर गए, अंदर का लाकर खोले। खोलने के बाद चाबी जहाँ के वहाँ रख दी उन लोगों ने, और मेरा सामान एक नेकलेस था करीबन 35-40 हज़ार रुपये का, और नाक की नथ थी 10 हज़ार रुपये की, और एक अंगूठी थी 5-7 हज़ार रुपये की, और 20 हज़ार रुपये नकदी थे, बाकी चिल्लर सिक्के थे, एक फ़ोटो खींचने का कैमरा था, ये लेकर गए। जब मैं आकर के देखा तो ये दिखा मेरे को खुला, तो मैंने फिर गाँव के लोगों को फ़ोन किया, फिर सब लोगों ने आए यहाँ पर देखे, उसके बाद रिपोर्ट करने गए।